Assalamu alaikum guys, with the name of Allah who is most graceful and merciful, I am sports scientist and आज मैं आपको बताऊँगी इस कैल्शियम की टैबलेट के बारे में। बहुत सारी मालूमात आपको मिलेंगी आज की वीडियो में और एकदम करेक्ट। ओके, तो कैल्शियम जो है, क्या आपको, अगर आप दूध पीते हैं तब आपको कैल्शियम की गोली खानी चाहिए ये वाली टैबलेट कि नहीं खानी चाहिए? और अगर आप जो हैं, आपकी एज जो है उस लिहाज से आपको रोज़ कितना कैल्शियम चाहिए, और अगर आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो फिर क्या होगा? आपकी जो रिकमेंडेशन जो लेवल है, रिकमेंडेड लेवल, उससे ज़्यादा आप खा लेते हैं तो फिर क्या होगा? अगर तो आप कम कैल्शियम खाते हैं जितनी रिकमेंडेड लेवल आपका है तो फिर क्या होगा? इन तमाम सवालों का जवाब आपको आज मिलेगा। और औरतों को क्यों कैल्शियम कमी ज़्यादा होती है मर्दों की नस्बत, तो इस सवाल का भी जवाब आपको आज मिलेगा। तो मेरी वीडियो को आपने देखना है एंड तक। ओके, तो कैल्शियम जो है वो भी विटामिन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मिनरल है, ठीक है। और हमारी बॉडी का ये वह मिनरल है जिसकी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी का जो वेट है उसका 2% होता है। ओके, हमारी बॉडी का जो वेट है उसका 2% जो है ना वो कैल्शियम होता है, और ये यानी कि वेट जो है उसका हिस्सा। तो यकीन करें ये 2%, और जितने मिनरल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जितने मिनरल पाए जाते हैं उन सबसे ज़्यादा इसी की मकदार है। तो अगर हम इसके काम की बात करें, तो अगर आप अपने बोन की बिल्डिंग करना चाहते हैं, अपनी बोन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी बोन्स को याद रखें, कैल्शियम के बगैर हो ही नहीं सकता। आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन, आप जो काम करते हैं, आप मसल कॉन्ट्रैक्ट आपके होते हैं, जिन लोगों को मसल प्रॉब्लम जो होती है उनमें कैल्शियम की कमी होती है। आपका हार्ट रेट, अब आपका कि हार्ट रेट का ताल्लुक कैल्शियम के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, तो आपका जो हार्ट रेट है वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट करता है पूरा दिन, और कितना काम करता है। अगर कैल्शियम में कमी होगी तो आपका हार्ट रेट सिस्टम भी ख़राब होने से हो जाएगा, आपका नर्व फंक्शन जो है, आप जो सिग्नल वगैरह आपकी बॉडी को मिलते हैं आपके नर्व फंक्शन से, उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा किरदार है। आपके जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें कैल्शियम का किरदार है। अच्छा, तो ये हो कैल्शियम के बारे में बात, कि कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में करता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम खाएंगे तो फिर क्या होगा, और बहुत कम कैल्शियम खाएंगे फिर क्या होगा। एक याद रखिए, जब आप बहुत कम कैल्शियम खाएंगे तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस क्या चीज़ होती है? ये एक हड्डियों की बीमारी होती है, आपकी हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। औरतों में कैल्शियम कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि औरतों में आपको पता है कि औरतें जो हैं वो एक प्रोसेस से गुजरती हैं जिसमें कि बेबी वगैरह के प्रोसेस से, तो उनके जो बेबी को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द जब वो प्रेगनेंट होती हैं तब उनको कैल्शियम जो है वो सबसे ज़्यादा चाहिए। एक आम इंसान नस्बत, एक बॉडी बिल्डर को भी इतना चाहिए इतना कि एक प्रेगनेंट वूमेन को चाहिए, तो देन उस वक्त उनको सही से कैल्शियम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी जो बोन्स होती हैं, बेबी तो है वो बोन से तो ले लेगा, अपना जो हिस्सा है वो तो ले लेगा, लेकिन जो माँ होती है उसको कमी हो जाती है, जिसकी वजह से माँ जो होती है उसमें कैल्शियम की कमी होने हो जाती है, उसकी हड्डियाँ जो होती हैं वो खोखली हो जाती है। इसलिए मर्दों में ये प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है लेकिन औरतों में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर तो औरतें अपनी कैल्शियम मकदार को बेहतर रखती हैं, 1300 mg अगर वो टेक करती हैं तो उनको कैल्शियम कमी नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर तो आप टू लिटल नहीं है बात, अब टू मच कैल्शियम तरफ आएँ तो आपको स्टमक पेन हो जाएगी और आपको डायरिया हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यार कैल्शियम की गोलियां ना खाएं आप, पता नहीं कौन कौन सा किडनी ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी किडनी ख़राब हो जाए। आपकी किडनी तब ख़राब होगी जब आप इतनी ज़्यादा कैल्शियम खाना शुरू कर देंगे कि आप किडनी में जाके वो स्टोर होने शुरू हो जाए। आपको कैल्शियम, मेरे नहीं ख्याल किसी इंसान को कैल्शियम जो है वो सही मकदार मिलता है पूरा दिन। अगर आप दूध पीते हैं, अगर आप 100 mg दूध पीते हैं, एक कप दूध पीते हैं, तो 125 mg दूध में आपको कैल्शियम मिलता है, तो कौन सा कैल्शियम की मकदार आपको सही से मिल जाती है? तो आपको कैल्शियम टैबलेट जरूर खानी चाहिए हर रोज़, इसमें 1000 mg कैल्शियम होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी डेली रिकमेंडेशन के बारे में। जो बेबी होता है जिसकी एज पैदा होता है अभी को, मतलब एक दिन का भी नहीं है, तो 0 से लेकर 1 ईयर तक के बेबी को ना जो कैल्शियम की रिकमेंडेशन है 220 mg है हर दिन के लिहाज से, और जिस बेबी की उम्र 1 से लेकर 3 ईयर्स है उसको 500 mg कैल्शियम चाहिए, और जिस बेबी की एज 4 से 6 ईयर्स है उसको 800 mg कैल्शियम चाहिए, और जिसकी उम्र 7 से 8 साल है उसको 900 mg चाहिए, और जिसकी 9 से 13 ईयर्स है उसको 1300 mg कैल्शियम चाहिए पर डे। अब आपने देखा होगा कि इस टैबलेट के ऊपर ये भी लिखा हुआ है, इस डब्बी पे, कि जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ हाफ टैबलेट जो है वो खाए, वो पूरी टैबलेट ना खाए। इट्स मीन
कि इसमें 1000 mg है, तो जो बेबी है जो 7 साल से छोटा बेबी है वो आधी खाएगा तो ठीक रहेगा, वरना उसको 1000 नहीं चाहिए, उसको सिर्फ 800 mg चाहिए या उसको 500 mg चाहिए। जो बेबी 7 साल से कम है उसको कितना चाहिए, उसको 800 mg चाहिए। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि आप उसको कम गोली दें बजाय कि पूरी गोली देने के। तो उसके बाद जो 9 से 13 साल के उसको 1300 mg, और जो टीन एजर लोग हैं जो कि अपनी ग्रोथ में होते हैं 14 से 19 साल में, तो उनको चाहिए कि वो 1200 mg कैल्शियम पर डे लें। और जो एडल्ट लोग हैं जो कि अडल्ट हो चुके हैं जिनकी उम्र 19 से 50 ईयर्स ओल्ड हैं, देखें यहाँ पे 1200 mg और यहाँ पे 1000 mg आ जाता है, यानी कि जिनकी उम्र 19 से 50 साल है उनको कैल्शियम कम चाहिए उसकी नस्बत जो कि अपनी ग्रोइंग एज में हैं। तो अब हम बात करते हैं एडल्ट के बारे में। एडल्ट भी आके फिर दोबारा से जिनकी 50 साल हैं या इससे ऊपर है उनको फिर से उनको ज़्यादा कैल्शियम चाहिए इनकी नस्बत, क्योंकि यहाँ आके पता है आपको कि इंसान की जो हड्डियाँ होती हैं वो उनको ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, क्योंकि कैल्शियम के जो सिस्टम होता है ना, कैल्शियम हड्डियों का जुड़ना और हड्डियों में गुदा इकट्ठे होने का, वो थोड़ा वीक हो जाता है और इसलिए कैल्शियम की ज़्यादा मकदार चाहिए होती है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको 1300 mg, और जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती है जो कि दूध पिला रही होती है उसको भी 1300 mg कैल्शियम चाहिए। अब आप देखें कि इन तमाम लोगों में से जिनकी ग्रोथ हो रही है उनसे भी ज़्यादा कैल्शियम इनको चाहिए। अच्छा जी, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको आपको सुबह टाइम खाने के फौरन बाद पीना खाना चाहिए या आपको ये दोपहर के खाने के बाद खाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। जब भी अपना पेट भर के कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो उसका असर जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए आपको आप इसको सुबह खाएं। और जो लोग कहते हैं ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो पानी तो पीना ही चाहिए, जारी बात है, इसमें कोई साइंस रॉकेट साइंस नहीं है, पानी तो हर इंसान को पीना चाहिए। तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, आप इसको किसी टाइम भी खा सकते हैं, आप उसको रात को भी खा सकते हैं, इसको कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है। आपने ये देखा होगा कि कभी कैल्शियम है, विटामिन डी है और विटामिन सी और B6 लिखा हुआ है, इट्स मीन के ये तमाम जो विटामिन है, अगर आप केला कैल्शियम खाएंगे और विटामिन डी भी नहीं लेंगे, विटामिन सी नहीं लेंगे, तो ये क्या होगा, आपका कैल्शियम अब्जॉर्ब भी नहीं होगा आपकी हड्डियों में। ये जो विटामिन डी होता है ये हेल्प करता है आपके कैल्शियम को कि वो आपकी हड्डियों में अब्जॉर्ब हो जाए। विटामिन सी भी आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ में आपकी हेल्प करता है। विटामिन B6 जो है वो तमाम सिस्टम को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। तो आपको कैल्शियम की टैबलेट जरूर खानी चाहिए। आपको पता है अगर आपको 1000 mg दूध चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो आपको 1 लीटर दूध पीना पड़ता है, तो 1 लीटर दूध तो आप पीते ही नहीं है, इसलिए आपको आप कोशिश करें कि ये जो टैबलेट है ये ज़रूर खाएं। थैंक यू सो मच।